हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी ग्रेविन सेलम के तरफ से मैंने ये एक ग्रेविन्स डाली थी लॉ डिपार्टमेंट में कि लॉ डिपार्टमेंट की कितनी पोस्ट जो है वो जेकेएसबी को रेफ़र हुई है। तो अभी उसका रिप्लाई आया है। अभी मैंने इस लॉ डिपार्टमेंट के ऊपर आरटीआई फाइल करी है और मोस्ट ऑफ उसका रिप्लाई नेक्स्ट मंथ तक आएगा। तो अब इसमें इसमें ग्रेविन्स में क्या उन्होंने बताया हुआ कितनी पोस्ट रेफ़र करी है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कुछ पोस्टें जो हैं एमटीएस की रेफ़र करी हैं। आई थिंक 25 पोस्टें हैं जो एमटीएस की रेफ़र करी हैं, ठीक है। जिसमें शायद 21 पोस्टें आपकी कश्मीर डिवीज़न की है और 4 पोस्टें जो आपकी जम्मू डिवीज़न की हैं और असिस्टेंट कंपाइलर की भी 43 पोस्टें हैं। ये मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजी गई थी। ये रिप्लाई मेरे को डिपार्टमेंट ने ही दिया था आई थिंक मई मंथ में, ठीक है। तो अभी लॉ डिपार्टमेंट ने कितना रिप्लाई दिया हुआ है। लॉ डिपार्टमेंट ने बोला हुआ कि एक पोस्ट आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की, 2 पोस्ट किताब की, 14 पोस्ट एमटीएस की, उसके बाद एक पोस्ट जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की और 4 पोस्टें जो है जूनियर असिस्टेंट की रेफ़र हुई हैं। जूनियर असिस्टेंट की बड़ी सारी पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं, अराउंड 400 के अराउंड आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो पोस्टें जेकेएसबी के पास थी वो 220 के अराउंड पोस्टें थी, ठीक है। अब दोबारा ये 220 पोस्ट दोबारा डिपार्टमेंट को गई हैं विद न्यू रिजर्वेशन रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी पोस्ट जल्दी ही आपकी रेफ़र हो जाएंगी जेकेएसबी को, ठीक है। और अभी मैंने अगस्त मंथ में भी जेकेएसबी को आरटीआई लगाई है। जैसे उसका रिप्लाई आएगा नेक्स्ट मंथ फिर मैं आपको बता दूंगा। बट बड़ी सारी पोस्टें आपकी जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है और वो रिजर्वेशन रूल्स में जो अभी चेंजेस करे हुए हैं अगर वो थोड़ा सा वो चीज़ें चेंज करती है तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ये पोस्टें आपकी आएंगी, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।